हेलो बिग बॉस एंड डियर जजेस, मेरा नाम रवीन कौर है और मैं लखनऊ में रहती हूँ, द सिटी ऑफ नवाब। एंड मैं बिग बॉस की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरा सपना है कि मैं भी कभी बिग बॉस के घर में जाऊँ, वहाँ पे पार्टिसिपेट करूँ, अपना टैलेंट दिखाऊँ, वहाँ पे जाके मैं एक टास्क करूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं एंटरटेनिंग हूँ, आई एम क्वाइट एंटरटेनिंग, और मैं अपनी देश की जनता को, अपने देश की आवाम को साबित कर सकती हूँ कि हाँ, मैं एंटरटेनिंग हूँ और मैं आपको बहुत बहुत सारा एंटरटेनमेंट दे सकती हूँ, बहुत फन। एंड मेरा नेचर बहुत फ्रेंडली है, मैं बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाती हूँ, फ्रेंड बना देती हूँ बहुत जल्दी, इजीली मेरी फ्रेंड्स बनते हैं। समटाइम मानती हूँ चीज़ें हार्मफुल होती हैं कि आप बहुत जल्दी किसी पे इजीली फ्रेंड बना लेते हो, बट हाँ, मेरा नेचर ऐसा है, मैं काफ़ी फ्रेंडली हूँ, मैं बहुत जल्दी इजीली मिक्सअप हो जाती हूँ सब में, तो मुझे इन सब चीज़ मिक्सअप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड मेरे अंदर आदत नहीं है मैं किसी की पीठ पे जाके बैक बाइटिंग करूँ, किसी की बुराई की चीज़ें करूँ, इसकी बुराई उससे करूँ। आई एम कम्प्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड मेरा सपना है कि मैं भी बिग बॉस में जाऊँ, वहाँ की उस दुनिया में जीऊँ जाके, जिसको मैंने सिर्फ कभी अपने ड्रीम्स में देखा है, सिर्फ अपने टेलीविज़न पे देखा है, मगर कभी सोचा नहीं था कि वहाँ पे जाने का, कभी भी आम आदमी को जहाँ से देखा। जब से सीज़न 10 आया है, देखा हमने सीज़न 10, तब से पता चला कि कॉमनर्स आम आदमी की भी एंट्री वहाँ पर हुई है। एंड तब से ऐसा लगा कि हाँ, कि एक होप है मेरे अंदर कि मैं भी अपना वो सपना एक ड्रीम पर पूरा कर सकती हूँ, और वहाँ पे अपना ऑडिशन देख के वहाँ पे मैं पूरा कर सकती हूँ। तो स्पेशल थैंक्स फॉर दिस टू राज नायक सर, जिनकी वजह से कॉमनर्स की एंट्री उस शो में हुई है। थैंक यू सो मच, सो मच सर। एंड सर, मेरे भी एक रिक्वेस्ट है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं उस घर में आऊँ, उस लाइफ में जीऊँ, मैं हर एक टास्क करने के लिए रेडी हूँ, एंड आई हैव इनफ स्टैमिना कि मैं वो हर एक टास्क कर सकूँ जिस तरीके से आ जाता है। सबसे अच्छा मुझे लगता है बिग बॉस के घर में कि देयर इज़ नो पार्शियलिटी। एंड जब सीजन 10 में देखा गया बिग बॉस के घर में, कॉमनर्स और सेलेब्स इक्वल लेवल पे थे, कोई पार्शियलिटी नहीं थी कॉमनर्स में ना ही इक्वल में। बिग बॉस का जो भी डिसीजन था ऑलवेज राइट था। जो दो कॉमनर्स ने मिस्टेक आउट करी थी, प्रियंका चक्का एंड स्वामी ओम, जिनके लिए बिग बॉस ने उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया था, उनको घर से निकाला था, जो भी उन्होंने मिस्टेक आउट करी उन सबके लिए, तो फिर बिग बॉस कहीं से भी पार्शियल नहीं है। सबसे अच्छा सपोर्ट उनका ये लगा है कि वो कभी भी किसी से उन्होंने पार्शियलिटी नहीं करी है। जो सेलिब्रिटी से मिस्टेक हुई, जैसे रोहन ने स्वामी ओम को करा था, फिजिकली हर्ट कर रहा था, अटैक कर रहा था फिजिकली, तो उसको भी पनिशमेंट मिला। जो भी कुछ था, सबके लिए बिग बॉस एक इक्वल है, वहाँ उनकी नज़र में कोई भी सेल्फ एंड कोई भी कॉमेडर्स नहीं था वहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच बिग बॉस, आपका डिसीजन ऑलवेज राइट था, जितनी देखा आपका हर एक डिसीजन, आप कभी भी हमें पार्शियल नहीं लगे हो। एंड आई वांट टू डू समथिंग अबाउट माय सेल्फ कि हाँ, मैं डांस बहुत करती हूँ, मैं रियली पैशनेट अबाउट डांसिंग, एंड आई लव डांसिंग। डांसिंग मेक मी फील वेरी रिलैक्स, आई लव टू डांस। डांसिंग मेरा सबसे बड़ा पैशन है। एंड थैंक यू बिग बॉस, दिस इज बैबरिंग कार, थैंक यू।